अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे सब आप लोग, खैरियत से हैं? मोहम्मद इमरान अत्तारी। आज मैं अपनी बिरादरी के भाइयों के साथ केंजर झील पर आए हैं। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार मंज़र है, और केंजर झील की खासियत ये है कि कराची को पानी मुहैया करते हैं, और कराची वालों के पास एक अच्छा पॉइंट मीठे पानी का एक ये बनता है, जहाँ ताज़ा पानी जो फैमिली इंजॉय करती हैं। आज दिखाते हैं आपको, हमारे सीधे हाथ की तरफ देखते हैं, कुछ हाइट्स बने हुए हैं, यहाँ फैमिली रेंट पर लेती हैं। मेरी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि जब इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक आती है तो यहाँ बुनियादी सहूलतों का बहुत ज़्यादा फुकदान है। मकामी लोग अपनी इस्ताद के मुताबिक यहाँ पर सहूलतें देते हैं, लेकिन ये कराची के मयार की नहीं है। ना खाने का कोई बेहतर माहौल है, ना ट्रांसपोर्ट पार्किंग का है, ना बुनियादी ज़रूरत है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि यहाँ बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएं, और आने वाले टूरिस्ट से भी मेरी दरख्वास्त है कि जो भी आप चीज़ें खाएं उसके रैपर वगैरह एक शॉपर में अपने डाल के अपने डस्टबिन में यहाँ लाजमी डालें, क्योंकि ये हमारा अपना ज़ाती पॉइंट है, ये हमने ही इसको खूबसूरत बनाना है। तो बिल्कुल लोग सफाई करते होंगे इंतज़ामिया के लोग, लेकिन फिर भी कचरा बहुत ज़्यादा है। तो मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपने रैपर वगैरह अपने साथ रखें, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है, ईमान का हिस्सा है हमारी। और अगर हम वैसे बात करें तो इंसानी बुनियादी सेहत की ज़रूरत भी है, हम अपने हिसाब से बात करें तो हमारे दादा अनीब गोरी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बिरादरी के ख़ास मेंबर हैं। हमारे साथ दादा अली हसन भी आए हुए हैं, हमारे साथ शादाब भाई भी मौजूद है जिन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ। हमारे साथ शुएब सिद्दीकी भाई भी मौजूद है, हमारे कुछ बिरादरी मेंबर हैं जो नहाने के लिए गए हुए हमारे पानी में। इंशाल्लाह ताला भी कुछ देर में हमारी बोटिंग का भी जहन है। असल प्रोग्राम था हमारा कि हमने अपनी बिरादरी के प्रोग्राम में टंडो खान मोहम्मद जाना था, हमारी बिरादरी की एक तंजीम है, कुल पाकिस्तान खिजरी बिरादर तंजीम, तो कोरंगी की तरफ से हम नुमाइंदगी करते हुए आज हमने वहाँ शिरकत करनी थी। रास्ते में केंजर झील थी तो हमारे नौजवानों ने ख्वाहिश जाहिर की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। हनी भाई से भी दरख्वास्त करेंगे कि कुछ बिरादरी के प्रोग्राम के हवाले से कुछ मैसेज दें अपने नौजवानों को। अस्सलामु अलैकुम भाई, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है टंडो मोहम्मद खान में, और हम लोग सब यकजहती प्रोग्राम में कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, और यहाँ बच्चों की ख्वाहिश पर एक करली झील पे हम उतरें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, और इंशाल्लाह बिरादरी को जोड़ने के लिए हम लिखने हैं, और अल्लाह ताला हम सब पर बेहतर करम फरमाएगा इंशाल्लाह। जहाँ तक कोशिश होगी हम जोड़ने के लिए निकले हुए हैं और यकजहती के लिए निकले हुए हैं माशाल्लाह। जैसा कि अनी भाई ने कहा कि बिरादरी की यकजहती इसी चीज़ पर कायम है कि हम एक दूसरे को खुलूस नियति से तस्लीम करें, हम अपने से नीचे के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करें, और ऊपर के लोगों को हम तवज्जो दिलाएं कि हमारी बिरादरी के ये मसाइल हैं। इसमें नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार होता है, और नौजवानी वो रीढ़ की हड्डी होते हैं जो बड़ों से तरबियत लेकर आगे अपने आने वाली नस्ल के लिए इंतज़ाम मुकम्मल करते हैं। अगर हम देखें सारे सिस्टम को, तो मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर हम एक प्रोग्राम हम सिस्टम देखना चाहें तो इस तरीके से समझ लीजिए कि एक आर्मी का जवान होता है, वो वर्दी पहनता है और वो असले के ज़रिए अपनी सरहदों की हिफाज़त करता है, फलाई काम एक अल्लाह की राह में जान देता है। इसी तरीके से एक टीचर होता है, अपनी कौम को पढ़ाता है और एक अच्छा एक नुमाया किरदार बनाता है अपने कौम के लिए। इसी तरीके से बिरादरी का नौजवान काम करेगा बिरादरी के लिए, तो बिरादरी में आने वाले वक्त में वो सितारे, वो खूबसूरत महताब बन के निकलेंगे कि जो आने वाले वक्त में अपने दीन इस्लाम को, कौम को, मुल्क को, अपनी बिरादरी को, इंसानियत को अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है बिरादरी की में, हमारी बिरादरी में राजपूत, गोरी, भट्टी सब लोग शामिल हैं, बड़ी बड़ी कौमें शामिल हैं, तो मैं कहूँगा कि सब लोग इन सब चीज़ों से निकल कर बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम करें, बाकी तमाम चीज़ें बड़ों पर छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतर अच्छा हल निकलेगा तमाम चीज़ों का, लेकिन नौजवानों का जो मामला है वो काम करने का है, वो काम करें। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारा
ब्राइड है, मुस्तकबिल रोशन है हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।